రైట్ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడుతున్నారు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షితు अपने व्यक्तित्व को अपनी क्षमताओं को और अपनी जिम्मेवारियों को अगर बहुत संतुलित तरीके से समझ करके हम व्यवस्था करते हैं तो आप देखिए आप बड़ी आसानी से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। ये बात सही है कि आप लोगों का क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें अनएक्सपेक्टेड बहुत कुछ आ जाता है और उसके लिए खुद को हमेशा तैयार रखना पड़ता है और इसके लिए रेगुलरली ट्रेनिंग होना जरूरी है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप जब फील्ड में काम करेंगे तो पुलिस थाने के लेवल पर वहां पर 10-12 लोग मान लीजिए आपका महकम है तो उस इलाके में कोई न कोई ऐसे लोग होंगे जो ऐसे विषय पर बड़ी सरलता से बातें करते होंगे। कभी 15 दिन में एक बार, कभी महीने में एक बार, घंटे भर के ऐसे महापुरुष को बुला लिया। अच्छे टीचर हो सकते हैं, कोई और अच्छे ज्ञाता हो सकते हैं और वे आकर के ऐसे विषयों पर आपसे गपशप करें, बातें करें। बार बार आपको स्मरण होगा कि हम अपने आप को कैसे ढाल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपनी व्यवस्थाओं को। दूसरा, जीवन में मैं हमेशा तनावपूर्ण जीवन जीने वालों को हमेशा आग्रह करता हूं, योगा प्राणायाम ये बहुत ही सिद्ध, अब तो आपको वहां पर मजबूरन भी किया करना पड़ा होगा, सुबह उठ उठ करके जाना भी पड़ा होगा। मैंने भी उस मैदान में योगा किया हुआ है जिस मैदान में आप लोग करते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि अगर मन से करते हैं, पूरा मन उसमें जोड़ देते हैं, ये कितना बेनिफिट करता है और तब जाकर के आपको ये तनाव कभी महसूस नहीं होगा। काम कितना ही होगा आप हमेशा प्रसन्न और आनंदित होंगे। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपने तमिलनाडु में इसकी एक इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था के विषय में परिचय करवाया। और कोई जैन सर? जैन सर, मेरा नाम आदित्य मिश्रा है, मैं मध्य प्रदेश का रहवासी हूं और मध्य प्रदेश काडर मुझे अलॉट हुआ है। सर, मेरी फील्ड ट्रेनिंग इंदौर में हुई। सर, मैं अपने फील्ड एक्सपीरियंस को खाकी वर्दी, जो इसको हम बड़े गर्व से पहनते हैं, उससे जोड़ के देखता हूं। सर, मैंने एक बड़ी अहम चीज सीखी कि यह सिर्फ एक कोई भव्य परिधान नहीं है परंतु अपने साथ जिम्मेदारियां और उत्तरदायित्व भी लेके आता है। सर, कोरोना एक ऐसी असाधारण चुनौती थी जिसने हमें भी और बाकी सभी फ्रंटलाइन वॉरियर्स को एक काफी बड़ी चुनौती दी। सर, मैं खुद भी संक्रमित हुआ और बहुत शुरुआत के दिनों में, और भाग्यशाली रहा कि सकुशल वापस आ पाया। सर, मेरे फोर्स के कई लोग ऐसे थे हमारे जो इतने भाग्यशाली नहीं थे, ना अपने घर लौट पाए। सर, उसमें एक अहम चीज जो मुझे समझ में आई कि सर, जब भी इतनी कठिन ड्यूटी करते हैं, अपने घर परिवार के बारे में नहीं सोचते, अपने स्वयं के सेहत के बारे में नहीं सोचते, तो उनके मन में कहीं पीछे एक विश्वास होता है कि अगर हमें कुछ हो जाएगा तो उसके बाद सरकार तथा पुलिस विभाग हमारे परिवार की देखभाल करेगा। सर, मैंने अपनी आंखों के सामने हमारे इंस्पेक्टर थे देवेंद्र चंद्रवंशी जी, उनको जाते देखा है। तो सर, तब से ही मुझे लगा कि हम अब जब भी इस लीडरशिप रोल में जा रहे हैं या कर रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके इस विश्वास को जगा के रखें। सर, मैं अपनी बातों को अंत करूंगा चार लाइनें जो देवेंद्र चंद्रवंशी जी की एक पसंदीदा कविता की है। मैं खाकी हूं, दिन हूं रात हूं, सांझ वाली बाती हूं, मैं खाकी हूं। होली में रमजान में, होली में रमजान में, देश के सम्मान में अडिग कर्तव्यों की अविचल परिपाटी हूं, मैं खाकी हूं। कभी आहत हूं, कभी चोटिल हूं, और कभी तिरंगे में लिपटी रोती सिसकती छाती हूं, मैं खाकी हूं। जैन सर। आदित्य जी, आपने इंदौर में काम किया तो जो पुलिसिंग की दुनिया का काम होता है उसका तो शायद आपको अवसर नहीं मिला, क्योंकि इंदौर के ऐसे संकट के कालखंड से गुजरना पड़ा
और ज्यादातर हमारे पुलिस बल के लोगों को सबसे पहले इस वायरस का शिकार होना पड़ा और सबसे ज्यादा इंदौर में बड़ा मैं भी अनुभव कर रहा था कि ये संकट कहीं गहरा न जाए। और लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस बेड़े के लोगों ने हिंदुस्तान के हर कोने में इस सारी परिस्थिति में जो काम किया है उस काम का अपना महत्व है, समाज को उसका अपना लाभ है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात हुई है और मैं समझता हूं कि ये पुलिस बेड़े की बहुत बड़ी पूंजी है। इसको कैसे हम संभालें, इसे संभालने के लिए हम इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट क्या करें और वो क्या है, हिंदुस्तान के सामान्य मानवी के मन में पुलिस मतलब डंडा, पुलिस मतलब तूतू मैमे, पुलिस मतलब जुल्म, ये बाय एंड लार्ज छवि बन चुकी थी। इसका मतलब ये नहीं कि समय समय पर पुलिस ने मानवता के काम नहीं किए हैं, किए हैं, और मैं तो मानता हूं कि शायद हर पुलिस थाने में डेली 5-10 काम तो ऐसे होते ही होंगे जो मानवता की दृष्टि से बहुत अहमियत रखते हैं, लेकिन इसका कभी कलेक्टिव इंपैक्ट समाज जीवन पर आया नहीं। छुटपुट घटनाएं बनी रही। कोरोना के कालखंड में देश के हर कोने में खाकी वर्दी के लोग जब गीत गाते हैं, गीतों के द्वारा लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करते हैं, खाकी वर्दी के लोग फुटपाथ पर बैठे हुए लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं, खुद रिस्क लेकर के कोरोना के मरीज को ले जाते हैं, ये दृश्य देश ने देखे हैं। एक मानवीय चेहरा हमारी खाकी वर्दी का लोगों के मन में स्थिर हो चुका है। अब हम लोगों का जिम्मा है कि कोरोना वायरस के संकट के काल में भी जिस प्रकार से खाकी वर्दी का जो भीतर पड़ा हुआ मानवता का अंश था, जो कभी कभी टुकड़ों में दिखता था, वो एक संगठित स्वरूप में नजर आया है। ये बहुत बड़ी पूंजी है। मैं तो चाहूंगा कि हर पुलिस थाने में, वहां के स्कूलों के माध्यम से, कि कोरोना के कालखंड में हमारे इलाके के पुलिस के लोगों ने कैसे मदद की, हस्तलिखित अंक तैयार करें, थाने को आकर के भेंट दें। आप देखिए, ये विरासत बन जाएगी और देश भर के हर पुलिस थाने से वहां पर कोरोना काल में मानवता के जो काम हुए हैं उसको अगर लिख लें, फिर उसको ऑनलाइन व्यवस्था करें, आप देखिए ये एक आपकी बहुत बड़ी अमानत बन जाएगी। और फिर पुलिस विभाग में पुराने लोग होंगे वो भी, जो नई पीढ़ी होगी वो भी, और भविष्य की पीढ़ी होगी भी, उसको भी लगेगा कि मानवीय व्यवहार की ताकत बहुत बड़ी होती है। और मुझे विश्वास है कि इस कोरोना कालखंड में आप लोग, क्योंकि उसी समय आपको फील्ड में जाने का मौका मिला, लेकिन आपके सामने वही काम रहा, आप उसमें से जो अच्छी बातें हैं लोगों को पहुंचाएंगे। और खाकी के प्रति गर्व होना यह बहुत अनिवार्य है। खाकी से रौब नहीं, खाकी से गर्व होना चाहिए। खाकी के सम्मान को मैं कभी झुकने नहीं दूंगा। जितना भाव मेरे मन में तिरंगे के प्रति होता है, वैसा ही भाव मेरे भीतर मेरे यूनिफॉर्म के लिए भी होना चाहिए। और ये आप देखिए इतनी बड़ी ताकत बन जाएगा। तो मेरी आप सबको इस विषय में तो बहुत शुभकामनाएं रहेगी। नेक्स्ट, जय हिंद सर। जय हिंद भैया। सर, मेरा नाम पार्थो प्रतिम दास है, मैं जोरहाट डिस्ट्रिक्ट असम से रहने वाला हूँ। मुझे असम मेघालय का एलोकेट हुआ है।
मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग NIT सूरत से किया है। फेज वन के ट्रेनिंग के बाद मैंने डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अपनी डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म की है। और कोरोना आउटब्रेक के बाद सर, जब भारत सरकार ने मूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड पैसेंजर्स का गाइडलाइंस निकाला था, तब मुझे डिपोर्ट किया गया था कोकराझार में, आसाम बंगाल बॉर्डर में, लोगों के मूवमेंट को मैनेज करने के लिए। तब सर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और जो व्हीकल्स आती थी उनका रजिस्ट्रेशन हम करते थे, और एक डेटाबेस हमने बनाया था गुवाहाटी में ताकि लोगों का ट्रेसिंग हो सके। सर वहाँ पे कुछ चैलेंजेस जो हमने फेस किए हैं, लोग हजारों किलोमीटर साइकिल से चल के वहाँ आते थे, तो वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड की थी, लोगों को खाना पहुँचाया था, जो चल के आए थे उनको बसेस में रेस्पेक्टिव रीजनल स्क्रीनिंग सेंटर्स में हमने भेजा था। और सर उस वक्त पुलिस वालों को भी काफ़ी अच्छे से ब्रीफ करना पड़ा था, क्योंकि हम खुद भी इन्फेक्ट हो सकते थे, बल्कि कुछ लोग वहाँ से इन्फेक्ट हुए भी थे सर। और सर ये जो लोग आए थे, कुछ लोग स्टूडेंट्स भी थे जो एक महीने के से ज़्यादा फंस चुके थे लॉकडाउन के वजह से, सब घर वापस आ रहे। రైట్, ట్రైనింగ్ పూర్తి చేసుకున్నటువంటి ఐపీఎస్లతో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వర్చువల్గా మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు దాకా మనం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూసాం. ఇప్పుడు ఒక షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం.